कभी भी संगति अच्छे लोगों का बनाते रहना खराब संगति जितना दर को छोड़ते रहना क्योंकि जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए कि करना क्या है, जिंदगी में सफल होने के लिए ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि छोड़ना क्या। सबको मालूम है कि करना क्या है, पढ़ना है, पॉसिबल है। अगर आज इंटर वाला लड़का बैठा हुआ होगा तो वो सोच रहा होगा मैथ पढ़े पड़ेगा, फिजिक्स पढ़े पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़े पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़े पड़ेगा, कोई सरन सर के यहाँ जा रहा है, कोई वो सर के यहाँ जा रहा है, कोई एक सर सर के, कोई बाई सर के जा रहे हो, हाँ या ना? उसी तरीके से जनरल कंपटीशन वाले लड़के किसी को सबको पता है कि एसएससी का एग्जाम है तो मैथ पूछते, एडवांस मैथ पूछते, रीजनिंग पूछते, जीके पूछते, इंग्लिश पूछते, सबको मालूम है। और सब सब सर के यहाँ पढ़ने जा रहा होगा, हाँ या ना? लेकिन क्या सबको मालूम है कि क्या नहीं करना है जिससे जॉब लगेगा? सबको मालूम है। और वही चीज सीखने के लिए सेमिनार होता है कि करना सबको मालूम है, वो तो सिलेबस में भी लिखा दिया है, वो आप फॉर्म भरेंगे उसमें भी बता देगा, वोट कैसे देना है वो वहां तो जाएंगे बता देंगे, वोट किसको देना है ये तो जानना ज्यादा जरूरी है ना। वोट तो सारे लोग दे देते हैं लेकिन क्या सारे लोग सही वोट देते हैं? तो उसी तरीके से भीड़ वोट देती है, उसी तरीके से सारे लोग पढ़ते हैं, क्या सारे लोग सही पढ़ते हैं? इस बात पे डिपेंड करता है कौन लोग पर सही पढ़ते हैं। जिनको ये मालूम होता है क्या नहीं करना है, देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीज बना है, खाना बना है, घूमना बना है, पहनना बना है या नहीं बना, हंसना बना है, रोना बना है, और हर चीज की जरूरत है। अगर कोई बढ़िया खुशी आ जाए और आपके आंख से आंसू न छलके तो समझिए आपके आंख में कहीं ना कहीं इमोशन की कमी है। तो हमने बताया क्या क्या नहीं करना है। तो जैसे देखिए हमने कहा कि आपको पहनना भी, आपको अच्छा खाना खाना भी, आपको घूमना भी, आपको प्यार भी करना है, सब चीज जिंदगी में जरूरी है। माँ बाप भी जरूरी है, बीवी भी जरूरी है, हाँ या ना? सब चीज जरूरी है। लेकिन गलत क्या होता है ना, कब जरूरी है ये मालूम होना चाहिए। अब पोलियो का टीकाकरण है, कहा जा रहा है कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तेकर मतलब ये की है कि घर में 12-15 साल के बाल बच्चा औरों पिला देते, तो पता होना चाहिए ना किसको पिलाना है किसको नहीं पिलाना है। तो आप लोग में देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या कमी आएगा जो बताते हैं। जिंदगी ऐसा है, माहौल ऐसा है, समाज ऐसा है, मार्केट ऐसा है, जो व्यवसाय करने के लिए आपको एक से एक चीज निकलते जाएगा और उस व्यवसाय में आप फंसते चले जाएंगे। जैसे शुरुआत करते हैं शुरू से, मूवी सबको अच्छा लगता है, हाँ, तो जिंदगी में कहा गया है अति सर्वत्र बजे, ठीक है ना, अति हानिकारक होता है, हाँ या ना? तो होता क्या है कि कभी कभार मूवी पसंद आता है तो हम लोग मूवी को छोड़ते ही नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि पल्स पोलियो का डोज कितना है, दो बूंद है। अब चिन्हल आदमी है तो कहे एक बोतल दे देना हमारे पेट में, तो वही बात होता है, बाबूजी तो पैसा दिए दिए हैं, पॉकेट में सबका 100-200 रुपया रहता है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि पल्स पोलियो का दो बूंद है, उसको ये नहीं मालूम है कि फिल्म तो बहुत सारे बनते रहे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है फिल्म महीना में एक देना चाहिए कि चार देना चाहिए। अब उसको लग रहा है कि ऋतिक रोशन वाला बढ़िया पिक्चर है, इसको छोड़ देंगे, अब उसी समय अक्षय कुमार भी आ गए, तो एक टांग मोहन जोदड़ो में, एक टांग रुस्तम में। तो ऐसा ऐसा को यहाँ पे क्या करना है, कहा जाता है दो तीन चीजों पे, जिसने भूख पे कंट्रोल कर लिया वो इंसान आगे बढ़ जाता है। भूख किस चीज का, आपका फिल्म देखने का भूख था लेकिन आपको मालूम था कि मेरा महीने में एक फिल्म देखने का डोज है तो हम एक ही देखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा अगर देखेंगे तो हमारे फिल्म वाले स्टोरेज में जो एक फिल्म रखने का जगह है, एक फिल्म वहां रखेंगे और जगह नहीं बचेगा तो दूसरा जहां मैथ का स्टोरेज था मैथवा वाला हटा के वहां एक रुस्तम कर देंगे। से आपको फिल्म हानिकारक पहुंचा सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि फिल्म हानिकारक है, लेकिन अति करने से वो क्या किया, हानिकारक पहुंचा दिया। होता क्या है कि आप उन चीजों का उपयोग कीजिए, उपभोग न कीजिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.